केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा कई गैंगस्टरों से जुड़े मामलों की तफ्तीश के बाद करीब 28 गैंगस्टरों के नामों और उनकी वारदातों की एक लिस्ट बनाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है। इन गैंगस्टरों का कनेक्शन पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों से है। ये सभी विदेश में रहकर भारत में टारगेट किलिंग, ड्रग्स तथा हथियारों की तस्करी समेत बड़े अपराध कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन गैंगस्टरों के नामों की सूची तैयार करवाई है जो भारत छोड़कर विदेश भाग चुके हैं और वहां से भारत के कई राज्यों में आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं। इन गैंगस्टर्स के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है और कैसे विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित देशों को सूचित करके इन्हें भारत वापस करवाना है, इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है। आज हम आपको 28 में से 10 टॉप गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। पहला नाम है गोल्डी बराड़ उर्फ सतिंदर जीत सिंह, मूल रूप से पंजाब का निवासी लेकिन कनाडा या अमेरिका में छुपा हुआ है। दूसरा नाम है अनमोल बिश्नोई, मूल रूप से पंजाब का निवासी लेकिन छुपा है तो अमेरिका में। अगला नाम है कुलदीप सिंह, पंजाब का रहने वाला है और फिलहाल यूएई में छुपा हुआ है। जगजीत सिंह, पंजाब का रहने वाला ये गैंगस्टर मलेशिया में रह रहा है और भारत में कई सारी वारदातों को अंजाम दे रहा है। पांचवा नाम है धर्मन कहलोत का, मूल रूप से पंजाब का रहने वाला और अभी अमेरिका में छुप कर बैठा है। छठा नाम आता है रोहित गोदारा का, राजस्थान का रहने वाला रोहित वर्तमान में यूरोप के किसी देश में छुपा हुआ है। सातवां नाम आता है गुरविंदर सिंह का, पंजाब का रहने वाला गुरविंदर सिंह कनाडा में छुपा हुआ है। अगला नाम है सचिन थापन का, मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और फिलहाल अजरबैजान में छुपा हुआ है। नौवां नाम है सतवीर सिंह का, पंजाब का निवासी है लेकिन कनाडा में छुपकर भारत में कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। और दसवां नाम शामिल है सनवीर ढिलन का, ये कनाडा का गैंगस्टर है लेकिन इसके पूर्वज भारतीय थे। ये तो 10 टॉप के गैंगस्टर थे। इसी के साथ एनआईए द्वारा 18 और गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है। कुल मिलाकर 28 गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है जिसमें ये गैंगस्टर्स विदेशों में रहकर भारत में कई सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।